चीजें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या। चलो क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ओके। चलो क्वेश्चन फटाफट से पढ़ते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक रीता नाम की एक लड़की है, क्या है लड़की है, वो कितना 20 किलोमीटर दूर जा गई है ईस्ट में, ईस्ट की तरफ वो जा रही है, वो 20 किलोमीटर दूर चल गई है किसके और ईस्ट की तरफ। अब वहां पे जो वो कितना दूर गई है 20 किलोमीटर, सिंपली कहां गई है 20 किलोमीटर, ओके। तो अब देखो आपको एक नंबर लाइन के थ्रू आपको समझा तो वैसे नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे नंबर लाइन है, जैसे कि एक रीता नाम की लड़की है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, वो कितना दूर गई है 20 किलोमीटर दूर, कितना 20 किलोमीटर। अब मान लो 20 किलोमीटर पे उसका कॉलेज हो या फिर कुछ भी, कुछ भी कुछ भी हो सकता है। अब हमको क्या पता उसका कॉलेज है या फिर स्कूल है, इसमें तो कुछ बताया नहीं गया, वहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 20 किलोमीटर दूर गई है या फिर वैसे ही, ठीक है, 20 किलोमीटर वो दूर गई है। फिर जब आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, फ्रॉम बी सेम मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रूट। अब देखो वहां से वो यू टर्न मारती है, जैसे गाड़ी यू टर्न मारता है वैसे वो फिर से वहां से मुड़ती है और देन वेस्ट की तरफ जाने लगती है। कितना किलोमीटर वेस्ट में जाती है 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर, ओके। देखो अब इतना इतना समझ में आ गया, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। एक रीता नाम की लड़की है जो ए, उसका मान लो ए पॉइंट क्या है, उसका घर मान लो, क्या मान लो उसका घर, वो ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ जा रही है, किधर ईस्ट की तरफ, वो कितना दूर गई 20 किलोमीटर, देन वो यू टर्न मारी मीन्स फिर से बैक जाने लगी, वेस्ट वेस्ट की तरफ जाने लगी, और देन वेस्ट की तरफ जाने वो कितना किलोमीटर तय करी 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर गई 30 किलोमीटर, ओके। वो कितना दूर गई 30 किलोमीटर, इतना समझ में आ गया। एक रीता नाम की लड़की वो 20 किलोमीटर ईस्ट में गए, फिर से यू टर्न मार के 30 किलोमीटर वेस्ट में जा रही है, इतना बस इतना बस समझ लो। अब देखो आगे क्या दिया, If the distance toward east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled toward east west? अब देखो यहाँ पे कह रहा है जो ईस्ट की तरफ जो 20 किलोमीटर है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स में डिनोट कर रहे हैं, तो फिर वेस्ट की नंबर मीन्स वेस्ट जो वेस्ट की किलोमीटर है उसको हम किस इंटीजर में डिनोट करेंगे। तो सिंपली बात है वो पॉजिटिव मीन्स निगेटिव में जाएगा, किस में, निगेटिव में, ये जो 30 वो निगेटिव का 30 हो गया, ठीक है। वो यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करो, ये जो ए पॉइंट से जा रही है ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर गई है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर में डिनोट कर रहा है, उसको पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट कर रहा है 20 किलोमीटर को। देन अगर वो वेस्ट की तरफ जा रही है तो वेस्ट की जो किलोमीटर है उसको हम किस में किस इंटीजर में डिनोट करेंगे। अब इसलिए बात है हम निगेटिव में डिनोट करेंगे, किस में डिनोट किए, निगेटिव में, इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, असली क्वेश्चन हम ना आएगा, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फॉर ए। अब देखो हम लोग ने क्वेश्चन इसका सॉल्व कर दिया है कि जो वेस्ट का जो नंबर है उसको किस में डिनोट करेंगे, तो निगेटिव में, ओके निगेटिव में, इतना इसका तो आंसर पता चलेगा निगेटिव में। अब इसका क्या बोल रहा है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द हर फाइनल पोजिशन फॉर फ्रॉम ए। अब वो बोल रहा है उसका फाइनल पोजिशन जो है उसको हम किस में डिनोट करेंगे, तो अब डिनोट करने के लिए हमको तो पहले फाइनल पोजिशन तो पता करने दो, तो फाइनल पोजिशन हम लोग पता करने वाले हैं, फाइनल पोजिशन पता करेंगे फिर हम देखते हैं किस में वो डिनोट होता है, पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में, ठीक है। चलो अब इतना समझ में आएगा, अब चलो देखते हैं, अब ना आएगा मजा। चलो क्या दिया यहाँ पे, देखो यह पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाने वाला, क्या पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट, डिस्टेंस जो ईस्ट की तरफ जितना डिस्टेंस कवर किया गया है 20 किलोमीटर, मीन्स वो लड़की 20 किलोमीटर जा चुकी है वहां से, ठीक है, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट -30 किलोमीटर, क्यों माइनस में लिखा, यहाँ पे लिख रहा है क्यों, जो वेस्ट की तरफ मीन्स जो ईस्ट की तरफ किलोमीटर है उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और जो मीन्स वेस्ट की जो है वो निगेटिव में लिखेंगे, ओके। आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे कह रहा है जो ईस्ट की तरफ जो नंबर है मीन्स जितना किलोमीटर है उसको आप पॉजिटिव में डिनोट करेंगे, तो हम लोग वेस्ट के जो मीन्स किलोमीटर है उसको हम किस में डिनोट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग निगेटिव डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे हमने -30 किलोमीटर लिख लिया है। अब देखो अब इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, 20 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट का मैंने ला दिया, देन 30 किलोमीटर -30 किलोमीटर यहाँ पे ला दिया, अब ऐड करने पर तब मैं उसका फाइनल पोजीशन पता चलेगा। मान लो यहाँ पे तुम गए 20 किलोमीटर गए हो, मान लो यहाँ से कितना भी दूर अपने घर से कितने दूर 2 किलोमीटर गए, ओके 2 किलोमीटर, देन तुम वहां से 2 किलोमीटर से फिर से 2 किलोमीटर आगे जाना है, ठीक है। अब तुमको पता करना है कि हमने कितना किलोमीटर आगे, बस आपको इतना पता है कि मेरा स्कूल कितना दूर पड़ता है 2 किलोमीटर, और देन स्कूल से वो हॉस्पिटल कितना दूर पड़ता है 2 किलोमीटर। अब पता करना है आपको कि आपने स्कूल से अब हॉस्पिटल चल गया है तो आपने कितना किलोमीटर तय कर लिया दूरी, तो फिर ऑब्वियसली बात है उसको हम ऐड करेंगे तब पता चलेगा। तो हमने ऐड यहाँ पे किया किसको, 20 और 30 होते हैं, हमको फाइनल पोजिशन उसका पता चलेगा रीता का। चलो 20 अब देखो यहाँ पे प्लस करने के लिए, अब यहाँ पे निगेटिव है पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव मीन्स निगेटिव के सिंबल यहाँ पे लग गया। अब 20 में से 30 कैसे जाएगा, ओके तो 20 में से 30 जाएगा तो हमारा बच गया -30, कितना बचा -30। अब देखो यहाँ पे -10³ बचा, 30 20 से बड़ा है ना, हमने 30 में से मीन्स 20 या फिर 30 किसी में से भी माइनस करते हैं, यहाँ पे देखो जो 30 है वो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये 20 पॉजिटिव है, तो हमने 20 में से 30 माइनस किया, कितना 20 में से सिंपल इस बात 30 माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचा 10 बच गया। अब ये निगेटिव क्यों आया, क्यों क्योंकि 30 बड़ा है और 30 क्या है को हम सिंबल है निगेटिव करते हैं, हमने यहाँ पे निगेटिव का सिंबल यूज कर लिया, ओके फाइनल फाइनल पॉजिटिव इज रीता फ्रॉम ए 1, फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम 1 मींस 10, ओके। अब यहाँ जो कह रहा है जो फाइनल पोजीशन है वो रीता का वो निगेटिव मीन निगेटिव इंटीजर में आ रहा है मीन्स -10 में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्वेश्चन भी दिया बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट, तो हम लोग को पता चलेगा माइनस इंटीजर में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस में माइनस इंटीजर, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है माइनस इंटीजर में। देन पूछ रहा है हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए -10 किलोमीटर, आंसर आ गया -10 किलोमीटर। चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब जो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन पे रख दो ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।